प्रभु श्री राम के भाई भरत के ऐसे कौन से रहस्य थे जिसे प्रभु राम भी नहीं जानते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भरत राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे। उनकी माता थी कैकई। भरत को जब पता चला कि माता कैकई ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लालच में उनके बड़े भैया श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है, तो उन्होंने अपनी माता को बड़ा भला बुरा कहा और बिना उनकी सुने अपने भैया राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उन दिनों श्री राम माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें चतुरंगिणी सेना के आने का आभास हुआ। सभी वन्य पशु इधर उधर भागने लग गए। राम जी को चिंता होने लगी कि उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वन में किसी राजा या राजकुमार ने कदम रखा है, जरा तुम इस बात का पता तो लगाओ, कहीं पशुओं को कोई खतरा तो नहीं है। लक्ष्मण ने अपने भैया का आदेश माना और वन में सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि उत्तर दिशा से एक बहुत ही विशाल सेना हाथी घोड़ों और सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही है। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो अयोध्या की सेना है, लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा आया और वो क्रोध में राम जी के पास आकर बोले कि भैया कैकई का पुत्र भरत सेना लेकर हमारी तरफ आ रहा है, जरूर ही वो हमें वन में अकेला पाकर हमें खत्म कर देना चाहता है, जिसके बाद वो बिना किसी चिंता के अयोध्या पर राज कर पाए। आप मुझे आज्ञा दें, मैं भरत को उसके पापों का फल जरूर चखाऊंगा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बेहतर कौन ही अपने भाई को जान सकता था, श्री राम जी ने कहा। लक्ष्मण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। वो ऐसा कुछ नहीं सोच सकता है, जरूर वो मुझे ले जाने के लिए ही आया होगा। मुझ में और मेरे प्यारे भाई भरत में कोई अंतर नहीं है। अभी जो तुमने कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वो वास्तव में मेरे लिए हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, पुत्र अपने पिता के और एक भाई अपने भाई के प्राण नहीं ले सकता। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी को दुख हुआ। वो बोले, हे प्रभु, वो सेना के साथ आ रहा है। इतना ही नहीं, पिताजी का श्वेत छत्र भी नहीं दिख रहा है। इसी कारण मुझे आशंका हो रही है। आप मुझे मेरे कटु शब्दों के लिए क्षमा करें। श्री राम ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो लक्ष्मण का भय भी समझ रहे थे, लेकिन केवल एक राम ही थे जो भरत के रहस्य को समझ सकते थे। थोड़ी देर में पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़कर श्री राम के भाई भरत उनकी कुटिया की तरफ आ गए। वो देखते हैं कि यज्ञ वेदी के पास जटाधारी राम वक्कल धारण किए बैठे हुए हैं। भरत रोते हुए दौड़ कर आते हैं। हे प्रभु, कहते हुए वो राम के चरणों में गिर जाते हैं। शत्रुघ्न भी साथ में आए थे, वो भी इसी अवस्था में थे। श्री राम ने अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया और पूछा, जरा ये तो बताओ कि पिताजी और माताजी कुशल से हैं? घर में सभी कुलगुरु वरिष्ठ जन कैसे हैं? और भरत, तुमने भी तपस्वियों के जैसे वक्कल क्यों धारण किया हुआ है? श्री राम की बात सुनकर भरत खुद को संभाल न पाया और रोते हुए बोले, अनर्थ हो गया भैया। भैया, हमारे पिताजी स्वर्ग से धार गए हैं। मेरी माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझे ये भारी कलंक लगा है। मैं तो अब किसी को अपना मुख भी नहीं दिखा सकता। भैया, आपकी शरण में आया हूं। आप कृपया यहां से आप अयोध्या चले जाइए और अपना राज्य अयोध्या संभालें। शायद मेरा पाप कुछ कम हो जाए। आप मुझे अयोध्या का राज्य संभालकर मेरा उद्धार करिए। भरत कहते हैं कि संपूर्ण मंत्रिमंडल, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताएं आपके पास यही प्रार्थना करने को आए हैं। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपके पुत्र के समान हूँ। मेरी माता जो पाप करके मुझ पर कलंक लगाया है, उसे समाप्त कर दीजिए। भरत रोते ही जा रहे थे। जब राम और भरत का मिलाप हुआ तो दोनों आपस में लिपट कर रोने लगे। भरत कहते ही जा रहे थे कि अयोध्या पर सिर्फ आपका ही अधिकार है, लेकिन राम जी कहते हैं कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा, उसके बाद ही अयोध्या लौटूंगा। जब कैकई माता के कहने पर राम जी को वनवास हुआ, तब ही श्री राम इस बात को जान गए थे कि उनके छोटे भाई भरत के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें ये हमेशा से ज्ञात था कि जैसे ही भरत को ये बात मालूम पड़ेगी, वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आएगा। इसीलिए संसार में आज तक राम और भरत जैसा पवित्र प्रेम कभी नहीं देखा गया।